शिवांश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रास किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की रेसिपी है आलू मेथी का साग, जो कि मैं बता रही हूं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जिन्हें मेथी पसंद है उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद आएगी और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमें चाहिए मेथी। ये मेथी की मैंने एक पूरी गड्डी या जूड़ी ली हुई है, ये ऐसे ही मिलती है आपको मार्केट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोटी जो डंडियां हैं उसको छांट देंगे, ऊपर से पत्तियां हम तोड़ लेंगे। ये देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रही ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो ये देखिए, ये मैं ऊपर की जो पत्तियाँ हैं ये तोड़ ले रही, ये देखिए। तो ऐसे ही करके हम सारी मेथी को तोड़ लेंगे। मैंने मेथी को तोड़ करके उसे अच्छे से पानी में धो लिया, जिससे इसका मिट्टी बालू जो भी है वो अलग हो जाए। अब इसे हम रफली काटेंगे। तो इसे हाथ में ऐसे अच्छे से पकड़ करके और चाकू की सहायता से काट लें, सावधानी से काटें। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं इसे ऐसे ही करके काट दे रही हूँ, ये देखिए। रफली काटने से मेथी का जो टेस्ट रहता है वो भी बना रहता है। बहुत ज़्यादा बारीक वैसे भी इसे काटने में प्रॉब्लम भी होती है, तो आप इसे ऐसे करके काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगी और पकाने में इजी रहेगी। अगर बहुत मुलायम पत्तियाँ हैं, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ आपने तोड़ी हैं, तो वो भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, मेथी को मैंने रफली ऐसे काट लिया है, देखिए बहुत बारीक नहीं है। अब हम देख लेते हैं मसाले। इसके लिए मैं आलू ले रही हूँ। मैंने ये एक बड़ा आलू लेकर के उसे ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन 10-12 कलियाँ हैं, इसे बारीक काट लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक हरी मिर्ची है, बारीक काट ली है। नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हींग और तेल 1 बड़ा चम्मच। मैंने सरसों का तेल लिया है। एक कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। ये सरसों का तेल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर साग सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। जब तेल गरम हो जाएगा, थोड़ा गरम हो जाइए, इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे जो है पकाना नहीं है। फिर हींग ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे हम पका लेंगे। आलू हम डालेंगे इसमें तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगी, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे या गोल्डन करेंगे। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं, क्योंकि आलू के साथ भी लहसुन और मिर्ची पकेंगे, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। इसे हम ऐसे चलाते हुए पका लेंगे, ढकेंगे बिल्कुल नहीं, वरना पानी छोड़ देगा और आलू काफ़ी आलू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम इसे अब पक जाने देते हैं। तो ये देखिए, आलू अभी गोल्डन हो गए हैं और ये पक गए हैं। इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे आप चम्मच से या कलछी से, जिससे भी आप बना रहे हो, उसे कट करके देखेंगे तो ये कट जा रहे हैं। अब इसमें हम साग ऐड करेंगे। साग ऐड करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके मेथी का साग ऐड करेंगे, क्योंकि जब बर्तन में एकदम से आप पूरी मेथी ऐड कर देते हैं तो वो मिक्स करते नहीं बनता है, मसाले भी फिर उससे अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और ये जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं। तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको चला रही हूँ, ये जितनी क्वांटिटी में डाला था उससे काफ़ी कम हो गया है। ऐसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा करके मेथी को ऐड करेंगे, जिससे कि मेथी अच्छे से पक जाए और बर्तन में जगह भी रहे और मिलाते भी बने। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े बैचेज में मैं इसे ऐसे ही डाल करके ऐड कर लूँगी। इसे हम ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे।
तो ये अपने आप सिकुड़ती जाएगी। आप मेथी को ऐसे ही ढक करके बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ना पकाएं, क्योंकि ढकने से पानी बहुत ज़्यादा मेथी छोड़ देती है, सब्ज़ी बहुत ही पानी पानी सी हो जाती है, खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती है। ये भुजिया जैसी लगेगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो ये बाकी जो बचा हुआ मेथी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम फिर मिक्स कर लेते हैं ऐसे ही करके। मेथी देखिए, जितनी भी मेथी थी वो पूरी, ये मैंने एक जूड़ी के हिसाब से सारी क्वांटिटी, मतलब एक गट्ठर जो होता है उसके हिसाब से सारी क्वांटिटी बताई है। जब आपके पास ज़्यादा हो तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लें। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। देखिए मैं लास्ट में नमक और मसाले ऐड कर रही, फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लो से मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे सब्ज़ी को, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी पकेगी। ये देखिए, अब इसे बस हमें थोड़ा सा भाप देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसा मिक्स करने के बाद में ढक देंगे जिससे कि इस पे भाप लग जाए, और इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए बस ढक करके पकाएंगे। तो ये देख ही सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम ढक देते हैं, 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं हल्का सा पानी सा भी आया है। अब इसे हम अच्छे से कूच लेंगे पूरा मसल करके, ताकि ये खाने में टेस्टी लगे, बहुत ऐसे खड़ी खड़ी सी ना लगे। और साग हमारा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अगर हम उसे ऐसे पूरा मिक्स कर देते हैं तो। आलू और जो मसाले हैं, जो लहसुन है, वो भी थोड़ी सी मिक्स होती है, उससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देख सकते हैं ये आलू मेथी की सब्ज़ी बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। इसे आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, सब्जी रोटी जैसे चाहे वैसे इंजॉय कर सकते हैं। टिफ़िन में इसे आप दे सकते हैं। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप और मेथी की सब्ज़ी अलग अलग तरह की जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।